बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रॉबेरी किस चीज़ से उगती है? क्या ये प्लांट से आगे प्लांट बनता है या हम सिर्फ सीड करा दें उससे प्लांट उग जाएगा और स्ट्रॉबेरी लग जाएगी? दोनों काम हो सकते हैं। बड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि स्ट्रॉबेरी अपने एक प्लांट से आगे कैसे प्लांट बनाती है। ये जितना खेत बना हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे सीड लगाया है, या इन्होंने पहले नर्सरी उसकी बना ली, एक एक पौधा क्यारियों के अंदर लगा दिया है। अब उसके बेड जो से हैं वो इन लोगों ने बड़े रखे हैं। मैं करीब से आपको दिखाता हूँ कि किस तरह एक पौधा आगे कई पौधों के अंदर तब्दील हो जाता है। अब आप लोग ये देखें कि ये क्यारी एक जा रही है स्ट्रॉबेरी की, और उसके साथ छोटे छोटे प्लांट्स जो से हैं वो उगते हुए आ रहे हैं जैसे जड़ी बूटियाँ उगती हैं। होता क्या है कि अल्लाह ताला ने स्ट्रॉबेरी के टहनी के अंदर ये सलाहियत रखी है कि जहाँ पर ये ज़मीन के साथ टच करेगी वहाँ पर ये नई जड़ बना लेगी। अब मैं आपको एक अच्छी सी जगह पर पौधा दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये एक बड़ा पौधा आ गया, उन्होंने लगा दिया। इस पौधे ने एक टहनी निकाली अपनी जड़ के करीब से, वो टहनी चली और यहाँ पे आगे वो ज़मीन के साथ टच हुई है। यहाँ पे आगे उस टहनी ने ये देखें जड़ बना ली हुई है। अब वही टहनी आगे चलेगी, वो यहाँ जड़ बनाएगी, फिर वो आगे चलेगी, वो यहाँ पे भी जड़ बना लेगी। ऐसे ये पूरा बेड जो इस वक्त आपको खाली नज़र आ रहा है, 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर प्लांट से कम्प्लीटली भर चुका होगा। बाद में वो लोग यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, और पंजाब का ज़िम्मेदार जो है वो इन पौधों के ले जाके अपने इलाकों के अंदर लगाएगा। अब जो पौधा, जो ज़िम्मेदार ये पौधा लगाएगा उसका फ्रूट बहुत अच्छा होगा, इसका प्लांट बहुत हेल्दी होगा। लेकिन होता ये है कि जो पुराना प्लांट खड़ा हुआ है ये भी सेल होता है। अब ये जो पुराना प्लांट है ये जाते ही फ्रूट उठा लेगा, ये बाद में फ्रूट उठाएगा, लेकिन जो छोटा है इसका फ्रूट बहुत लंबे अरसे तक आता रहेगा, ये बहुत लंबे अरसे तक बीमारियों से भी महफूज रहेगा, इस पर जल्दी ख़त्म हो जाएगा और बीमारियां भी ज़्यादा आएंगी। तो ये वो तरीका है जिससे सवात के लोग बहुत अच्छी इनकम कमाते हैं। स्ट्रॉबेरी से पहले वो फल ले लेते हैं, बाद में वो लोग इसके प्लांट्स हमें बेच के बहुत अच्छी इनकम कमाते हैं, और ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करना चाहिए। मज़र अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।